अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चॉकलेट पेड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये से हम ना बिस्किट से बनाएंगे, तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान भी है। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। इसके लिए हम दो बॉबन बिस्किट है ना, उसका पैकेट लेंगे। ये देखिए, आज हम इससे बनाएंगे हमारे पेड़े को। ये 30 रुपीज़ का एक पैक आता है। इसका सारा डिटेल्स जो है वो पैकेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, कितने ग्राम की बिस्किट की पैकेट है। ये 30 रुपीज़ वाला है। तो यहाँ पर एक मैंने बोल ले लिया है। इसमें हम हमारी जो बिस्किट है उसे है ना हाफ हाफ टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, इस पर ऑलरेडी शुगर लगी रहती है और इसके अंदर जो क्रीम रहती है उसे हमें नहीं निकालनी है। हम इसी के साथ इसे पीस लेंगे और हम ना इस मिठाई में एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करने वाले। इसमें ऑलरेडी शुगर भी है, क्रीम भी है, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो हम ना इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे मिक्सी में बस चला लिया है और इस तरह से एक पाउडर रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाफ कप मिल्क लिया है, हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं डालोगे तो इसमें मिठाई वाला टेस्ट नहीं आएगा, पेड़े वाला जो टेस्ट आता है। तो ये डालोगे तो अच्छा रहेगा। साथ इसमें हम आलमंड्स डालेंगे, काजू डालेंगे और थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर देंगे। और ना हमें इन्हें मिक्स कर लेना है एक बार अच्छे से। तो हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी हम ना इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड किया है। और ना अभी हमें ना इसका एक डो रेडी कर लेना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह सेम हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ स्पून से नहीं होगा तो हम हाथों की मदद से कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अगर हमें ये ड्राई लगेगा ना, तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून और मिल्क ऐड कर लिया था। और इस तरह से हम एक डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसमें ना आपको ऑयल, घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना ऑयल ना खुद रिलीज़ करता है। जैसे आप इसका डो रेडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो आप इसका कोई भी शेप दे सकते हो, आप राउंड शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप दे सकते हो। जैसे मिठाइयों की दुकान में होते हैं ना पेड़े, आप कोई भी एक शेप दे सकते हो। तो मैंने तो इसे नॉर्मल सा एक शेप दे दिया था, जस्ट मैंने इसे स्क्वायर किया और बस ऐसे ही रख दिया। तो आप इसे कोई भी अपनी हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे अच्छी तरह से शेप दे सकते हो। इस तरह से रेडी कर लेंगे और ऊपर से कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स इस पे गार्निशिंग में लगा सकते हो, जो ये अच्छा लगे देखने में। तो बस इस तरह से ये रेडी हो जाता है और इसमें कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो आप इसे बना के घर में इंजॉय कर सकते हो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।